और मतलब इंडिया में जो रिसेप्शन मिला इस पर उन्होंने क्या कहा, वो भी उस पर भी डिस्कशन करेंगे। और ओवरऑल इंडिया को इनवाइट करने की बात भी कही कि भाई इंडियन टीम कब पाकिस्तान आएगी, तब हम उनको बताएंगे कि भाई आपने जो हमें वेलकम दिया है इससे भी बेहतर वेलकम हम आपको देंगे। विराट कोहली, रोहित शर्मा पर आए तो उनको उस तरीके का वेलकम मिलेगा कि आप ये भूल जाओगे कि भाई इससे बेहतर वेलकम आपको नहीं मिल सकता। पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी के बारे में उन्होंने वहां पर यह कहा। रिजवान ने वहां पर पॉजिटिव बातें यही कही कि कोई बात नहीं, न्यूजीलैंड ने वहां पर 346 रन चेस कर दिए, बट हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, हमारी बेंच स्ट्रेंथ को टेस्ट कर रहे थे वहां पर, तो हम भी फुल थ्रॉटल नहीं थे। मोहम्मद रिजवान की, जिन्होंने आप कह सकते हैं कि भाई उनका एक, आप कह सकते हैं उन्होंने इंटरव्यू में ये भी कहा है कि ये एक सपना ही होता है, ड्रीम होता है कि आप, मतलब उनका भी ये था कि भाई अभी इंडिया में जाकर खेलूं, एक समय ऐसा भी था मैं सोचता था कभी इंडिया में खेलने का मौका मिले और इस तरीके की पारी खेलूं जो उन्होंने वार्म अप गेम में खेली। उन्होंने कहा मैंने तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए 100 मारा, चाहे वार्म अप गेम ही क्यों ना हो, चाहे वार्म अप गेम हो चाहे इंटरनेशनल गेम हो, कह रहे 100 100 ही होता है। और इंडियन सॉइल पर आकर सावनिक्रम, पाकिस्तानी स्किपर मोहम्मद रिजवान के एक बयान जो कि उन्होंने गुज़श्ता रोज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल चैनल को दिया है, उसके इस वक्त बड़े चर्चे हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क भारत का तकरीबन हर मीडिया चैनल उसे कवर करता दिखाई दे रहा है और उसमें चंद बातें जो भारत के बारे में मोहम्मद रिजवान ने की है उन्हें लेकर एक नई डिबेट छिड़ चुकी है। मोहम्मद रिजवान ने भारत की हॉस्पिटैलिटी के बारे में बात करते हुए कहा कि हमें बहुत खुशी हुई कि हमें भारत में, खासकर हैदराबाद में, इतना जबरदस्त वेलकम किया गया। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम को दावत देते हुए कहा कि आप पाकिस्तान आए, रोहित शर्मा और विराट कोहली जब पाकिस्तान की सरजमीन पर उतरेंगे फिर हम उन्हें बताएंगे कि पाकिस्तानी उन्हें किस तरह वेलकम करते हैं, वो हमारे इस वेलकम को भी भूल जाएंगे, यानी पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी की बात करते नजर आए। दूसरा उनसे जब ये पूछा गया कि आपकी पहले मैच में सेंचुरी आई है वो तो वार्म अप मैच था और पाकिस्तानी बॉलिंग में जो फ्लॉज है उन्हें देखकर आप क्या कहते हैं, तो उनका कहना था कि सेंचुरी जैसी भी हो मैं इस वक्त पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, चाहे वो ऑफिशियल मैच हो या फिर अनऑफिशियल। और साथ ही साथ पाकिस्तान के जो बॉलिंग लाइनअप का फ्लॉप होना था उस पर उनका कहना था कि शाहिनशाह अफरीदी और नसीम शाह की कमी हमें महसूस हुई, शाहिनशाह अफरीदी वार्म अप मैच नहीं खेले क्योंकि उन्हें रेस्ट दिया गया था, लेकिन हमारा जो प्लेइंग 11 सामने आएगी तो उस कॉम्बिनेशन को लेकर हम जरूर दुनिया को सरप्राइज करेंगे। बहरहाल भारत के मीडिया पर इस वक्त मोहम्मद रिजवान के भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान दौरे की दावत देने के काफी चर्चे हैं, उनकी तारीफ भी की जा रही है और तकरीबन तमाम भारतीय मीडिया इस वक्त उन पर बात करता दिखाई दे रहा है। आइए आपको वही सब कुछ दिखाते हैं। मोहम्मद रिजवान की, जिन्होंने आप कह सकते हैं कि भाई उनका एक, आप कह सकते हैं उन्होंने इंटरव्यू में ये भी कहा है कि ये एक सपना ही होता है, ड्रीम होता है कि आप, मतलब उनका भी ये था कि भाई अभी इंडिया में जाकर खेलूं, क्योंकि आपको पता है कि बायलैटरल हमारे फिक्स्चर्स उनसे नहीं होते हैं, तो उनका कहा था कि भाई एक समय ऐसा भी था मैं सोचता था कभी इंडिया में खेलने का मौका मिले और इस तरीके की पारी खेलूं जो उन्होंने वार्म अप गेम में खेली, वार्म अप गेम में जो आप कह सकते हैं जो खामियां निकल कर आई उन पर भी बोला, क्योंकि पाकिस्तान की टीम ने आप कह सकते हैं बैटिंग डिपार्टमेंट में तो बहुत ज्यादा इंप्रेस करा। रिजवान 100 करते हैं, बाबर आजम 80 रन करते हैं, 100 शकील आपके लिए एक बहुत बड़े, एक कह सकते हैं एक सरप्राइज वेपन बन सकते हैं आने वाले मैचेस में, लेकिन अगली ही पारी में एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक मिलता है जिससे कि पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग की बहुत ज्यादा खिल्ली उड़ती है। बाबर आजम पर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म होता है कि भाई आप अपने यार दोस्त की जो आपने टीम बनाई है, देखिए आपको आगे भी इसका आप कह सकते हैं कि भुगतना पड़ सकता है, खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। और मतलब इंडिया में जो रिसेप्शन मिला इस पर उन्होंने क्या कहा, वो भी उस पर भी डिस्कशन करेंगे। और ओवरऑल इंडिया को इनवाइट करने की बात भी कही कि भाई इंडियन टीम कब पाकिस्तान आएगी, तब हम उनको बताएंगे कि भाई आपने जो हमें वेलकम दिया है इससे भी बेहतर वेलकम हम आपको देंगे। विराट कोहली, रोहित शर्मा पर आए तो उनको उस तरीके का वेलकम मिलेगा कि आप ये भूल जाओगे कि भाई इससे बेहतर वेलकम आपको नहीं मिल सकता। पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी के बारे में उन्होंने वहां पर ये कहा। अब सबसे पहली बात उन्होंने ये कहा कि देखिए सवाल यही पूछा गया उनका, तो 100 आया डेफिनेटली किसी के लिए भी। उन्होंने कहा देखिए पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते करते अगर आप क्लब लेवल पे 100, मतलब क्लब लेवल पे आप 100 मार दीजिए, किसी फर्स्ट क्लास गेम में 100 मार दीजिए, उनकी भी वैल्यू होती है। उन्होंने कहा मैंने तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए 100 मारा, चाहे वार्म अप गेम ही क्यों ना हो, चाहे वार्म अप गेम हो चाहे इंटरनेशनल गेम हो, कह रहे 100 100 ही होता है। और इंडियन सॉइल पर आकर मतलब उन्होंने कहा था कि भाई देखिए अटकलें लगाई जा रही थी इंडिया और पाकिस्तान फिक्स्चर से नहीं होते, ये ग्रुप तो पहली बार इंडिया की सरजमी पर आकर, इंडियन सॉइल पर आकर मैच खेल रहा है, तो उन्होंने कहा ये अपने आप में ही बड़ा स्पेशल मोमेंट था कि इंडिया में आकर मैंने 100 मारा, जो पहली आउटिंग थी उनकी उस पर लेकर उन्होंने बोला। अब हार पर उन्होंने क्या बोला, देखिए हारी पाकिस्तान की टीम, उनकी बॉलिंग बहुत ज्यादा मतलब आप कह सकते हैं हर तरीके से एक्सपोज हो गई, लेकिन उसको उन्होंने पॉजिटिव तरीके से बताया कि भाई देखिए वार्म अप गेम है, सब एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं अपने अलग अलग प्लान्स, कोई अपना फुल थ्रॉटल नहीं जाता, कोई अपनी पूरी तरह से आप कह सकते हैं ना पूरी इंटेंसिटी के साथ क्रिकेट नहीं खेलता है,
तो उन्होंने यही कहा कि हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे ना, शाहीन ने 10 ओवर फेंके, हारिस ने 6 ओवर अपने नहीं फेंके, शादाब ने 10 ओवर नहीं फेंके। उन्होंने कहा कि भाई देखिए ये 26 ओवर हमने करवाए नहीं। बहरहाल रिजल्ट को उन्होंने उस तरीके से लिया कि या तो आप देखिए सीखते हैं एक्सपेरिमेंट से, और या फिर आप कहते हैं कि आपको अपने इंप्रूवमेंट्स करने के वो सेगमेंट्स पता चल जाते हैं, वो आपको पता चल जाता है कि भाई इन इन हमें इन डायरेक्शन में काम करने हैं, और इस वजह से हमारी टीम वहां पर फ्लॉप हुई। तो इसको लेकर रिजवान ने वहां पर पॉजिटिव बातें यही कही कि कोई बात नहीं, न्यूजीलैंड ने वहां पर 346 रन चेस कर दिए, बट हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, हमारी बेंच स्ट्रेंथ को टेस्ट कर रहे थे वहां पर, तो हम भी फुल थ्रॉटल नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि इस हार को उस तरीके से ना लीजिए कि भाई बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म वहां पर हो, हम कोशिश करेंगे कि जब मेन गेम्स वहां पर आएंगे और इससे बेटर आपको करके दिखाएंगे। फिर बात भाई सबसे बात यही आती है कि जो इंडिया में उनको रिसेप्शन मिला, मतलब जबरदस्त रिसेप्शन, उसको लेकर तो आप कह सकते हैं कि भाई रिजवान वॉज इन ऑ, मतलब आप कह सकते हैं कि भाई उन्होंने यही कहा कि वो एक ऐसी चीज थी कि जिससे गूज़बम्स आपको आते हैं कि आप आए, आप नर्वस होते हैं कि इंडिया में पहली बार आप आ रहे हो, वर्ल्ड कप खेलने, इतना बड़ा इवेंट खेलने, प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। लेकिन उन्होंने साफ सीधी एक ही बात वहां पर कही कि भाई जो रिसेप्शन हैदराबाद फैंस ने, इंडियन फैंस ने हमें एयरपोर्ट पे दिया, वो गूज़बम्प्स मोमेंट थी उनके लिए, और उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं करा था इस तरीके के रिसेप्शन। उन्होंने कहा कि भाई वो ऐसा मोमेंट था, मतलब आप इस बात को समझिएगा कि उन्होंने कहा कि ऐसा लगा कि हम वर्ल्ड कप जीतकर कराची और रावलपिंडी के एयरपोर्ट से उतरे हैं। उन्होंने वो रिसेप्शन को उस चीज से कंपेयर करा कि माना कि हमने वर्ल्ड कप जीत लिया हो, और साफ सीधा आप कह सकते हैं कि भाई आप कह सकते हैं ना, ये टारगेट करने वाली बात होती है। तो ज़का अशरफ साहब पे ही था जिन्होंने एक आप कह सकते हैं एक बड़ा ही अजीब सा बयान दिया, उससे पलटी भी मारी, जो कि आप कह सकते हैं उनकी फितरत रही है। तो एक टारगेट करते हुए भी कहा कि भाई जो लोग ऐसे सवाल करते हैं कि बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं डिफरेंसेस हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। रिजवान ने साफ सीधा यही कहा कि बहुत ज्यादा प्यार यहां पर मिला है जो कि हमने एक्सपेक्ट तक नहीं किया था, और कहीं ना कहीं ये हेल्प करेगा गोइंग फॉरवर्ड कि हम और बेटर वहां पर करें। और उसके अलावा अगर आप बात कर रहे हो कि इंडिया में, मतलब उन्होंने ये कहा कि भाई इंडिया में खेलना एक बड़ा ही स्पेशल मोमेंट था, दोनों देशों के बीच उस तरीके की चीजें नहीं रही है कि क्रिकेट पॉसिबल हो पाया हो, बायलैटरल आपकी सीरीज नहीं हुई है 2012 से, पाकिस्तान की टीम फ्रीक्वेंटली ट्रेवल कर ही नहीं पाई है इंडिया। तो उन्होंने यही कहा कि भाई हम चाहेंगे कि टीम इंडिया वहां पर आए पाकिस्तान, तो हम उनको कह सकते हैं कि भाई अपनी, जो वो कहते ना पाकिस्तान खुद कैसे मेहमान नवाजी करता है, वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। तो उन्होंने होप करा है कि इंडिया भी जल्द ही पाकिस्तान आएगा, और हम उनके खिलाफ आप कह सकते हैं उनके लिए उस तरीके के वहां पर इंतजाम करेंगे कि भाई आप भी इस तरीके की बातें करोगे कि हाँ पाकिस्तान ने भी हमारा ग्रैंड वेलकम करा, और हमें भी ऐसा ही महसूस हुआ कि हम